हाय गाइस, कोहिनूर की न्यूली लॉन्च्ड लखनवी बिरयानी किट। हम इसकी हैदराबादी, अवधी और सिंधी बिरयानी को ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं। आज हम देखेंगे लखनवी बिरयानी किट कैसी है, तो वीडियो को पूरा देखना। मैं इसके टेस्ट के बारे में भी आपको बताऊंगी और इसकी रेसिपी भी। चलिए सबसे पहले पैक के ऊपर देखते हैं। तो यहाँ न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन दी है। हर 100 ग्राम में 296 कैलोरी, 5 ग्राम प्रोटीन, सैचुरेटेड फैट 1, ट्रांस फैट लेस देन 0.5। यहाँ इंग्रेडिएंट दिए हुए हैं, तो बासमती राइस, इसका राइस अच्छा होता है, होल स्पाइसेस आएंगे इसके साथ में, और एक इनका ग्रेवी का पैक आएगा। तो पैक में जो है 200 ग्राम तो इनके चावल हैं, 125 ग्राम बिरयानी मसाला है, पेस्ट है जो कि, और 2 ग्राम जो है वो होल स्पाइसेस है। तो टोटल प्रोडक्ट का वेट होता है 327 ग्राम। MRP इसकी 125 रुपीज़ है, लेकिन ये अमेज़ॉन पर मुझे 99 का पड़ा है। लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स ओपन द पैक। तो जैसे पैक के अंदर तीन चीज़ें हैं। एक ये चावल का पैक है, चावल की पैकेजिंग जो है वो ट्रांसपेरेंट है, आप देख सकते हो कि चावल की क्वालिटी अच्छी लग रही है। दूसरा जो है होल स्पाइसेस, इसमें हमारे पास है लौंग, काली मिर्च, छोटी इलायची, तेज पत्ता। एंड द थर्ड पैक इज़ द बिरयानी मसाला पेस्ट। दिस इज़ द स्टार प्रोडक्ट ऑफ दिस किट। इसी से ही पूरा टेस्ट आता है। रेसिपी यहाँ दी हुई है, तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको राइस को निकाल के अच्छे से वॉश करना है। आप पहले देखिए राइस की क्वालिटी, परफेक्ट ग्रेन है, जो बिरयानी वाला होना चाहिए ना, बिल्कुल वही ग्रेन है। तो इसको अच्छे से 3-4 बार रेगुलर वाटर में हम वॉश कर लेंगे। वॉश कर लिया, अब इसके बाद इसको पानी में हमको आधे घंटे सोक करके रखना है। आधे घंटे बाद इस पानी को तो हम स्ट्रेन कर देंगे और चावल को अब हम बॉयल करेंगे। तो पहले पानी को अच्छे से बॉयल हो जाए, उसमें आप 1 चम्मच नमक डालें, होल स्पाइसेस डालें। अब इसमें हम चावल डाल देंगे जो हमने सोक करके रखे थे, और इनको हमें सिर्फ 5 से 7 मिनट पकाना है, पूरा नहीं कुक करना, हाफ कुक करना है। ये देखिए चावल बनने के बाद एकदम खिला खिला, लेंथ बहुत अच्छी है, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, परफेक्ट ग्रेन। चलिए अब शुरू करते हैं। तो एक कढ़ाई में ऑयल डाल के उसमें 2-3 प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेंगे हम, और प्याज जब ब्राउन कलर की हो जाएगी उसको निकाल के अलग रख देंगे। अब हमको कढ़ाई में से पूरा तेल हटा देना है, तेल बिल्कुल भी नहीं होगा। इसमें हम डालेंगे ये ग्रेवी मसाला जो आया है किट में, मसाला को हल्का सा भून लेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे वेजीज, आप चाहो तो चिकन वगैरह भी डाल सकते हो, मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ वेजिटेबल्स, सोयाबीन, मटर, गोभी, पनीर भी डाल सकते हो, वो मेरे पास अभी नहीं था। यहाँ टमाटर मैंने रफली चॉप करके 2 वो डाले हैं। नमक बस हम इसमें हल्का सा डालेंगे क्योंकि हम वेजीज एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, उसके अलावा हमको और कोई मसाला नहीं डालना है। हल्का सा हम इसमें पानी डालेंगे ताकि सब्जियां जो हैं वो प्रॉपरली कुक हो जाएं। थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स कर दें अच्छे से, और ढक के इसे तब तक पकाएंगे जब तक सब्जी आराम से सॉफ्ट नहीं हो जाएगी, पक नहीं जाएगी। सब्जी पक गई, अब चलते हैं लास्ट स्टेप जो कि है लेयरिंग। तो एक तवे के ऊपर मैंने एक कुकर रखा है, डायरेक्ट आँच हमको नहीं देनी है। एक लेयर हम चावल की लगाएंगे, दूसरी लेयर हम वेजीज की लगाएंगे, इसके ऊपर हम थोड़ी सी डालेंगे जो अनियन हमने फ्राई करके रखी थी, और उसके ऊपर हम एक चौथी लेयर डालेंगे धनिया और पुदीना के पत्ते। इस तरह से लेयर कर करके आप पूरा लेयरिंग कर दीजिए। कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और उसकी विसिल निकाल देंगे, सीटी नहीं रखनी है, ध्यान रखिएगा। और लास्ट में हम गैस सिम करके 15 मिनट के लिए इसको दम देंगे। 15 मिनट के बाद आप कुकर का ढक्कन खोलें, बिरयानी को एक बारी फॉक से मिक्स कर दें। बहुत ही खिले खिले चावल बनते हैं। अब हम बात करते हैं फाइनली इसके टेस्ट की। तो कोहिनूर बिरयानी किट की ना 4 बिरयानी किट आती हैं, उनमें से नंबर 1 पे मैं बोलूँगी हैदराबादी बिरयानी किट। अगर आपने वो एक बारी खा ली तो आपको इसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं लगेगा। ये काफ़ी प्लेन है टेस्ट में, इसमें स्पाइसेस बिल्कुल भी नहीं है। हैदराबादी बिरयानी किट जो थी ना, वो खा के मज़ा आ गया था, मतलब बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी बिरयानी थी। ये ऐसी लग रही है जैसे हम घर में बना लेते हैं ना, कुछ अमेजिंग जैसी बात नहीं है इसमें। दिस इज ओके है, मतलब बिल्कुल प्लेन, ना कोई स्पाइसेस, या तो आप इसमें मिर्ची मसाला डालो, लेकिन अगर आपको इतना करना है तो फिर आप हैदराबादी लोगे ना, फिर ये वाली बिरयानी लेने का पॉइंट क्या है। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू फाइंड द वीडियो यूजफुल। हैव अ गुड डे, बाय बाय।